सोया। मैं जानती तू कि कुंदन, अगर इन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो ये क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने फिर कलह काट दी? कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। बस सिर्फ तुम्हें इतना करना आता है क्या? बचपन में क्या एक गलती हो गई उसलिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे तुम? आओ चलो, तुम्हें शादी करनी है ना, चलो ना। सिर्फ ये चाहिए ना तुम्हें, बाकी सब गए चले भाड़ में। क्या हुआ, चलो ना। कुछ समझ में आता है कुंदन? तुम्हारे नाम के पीछे शंकर लगता है और हमारे हैदर, ये सुनने में ही अलग है। तुम हमारे घर में गैस सिलेंडर रखने आते हो, पापा तुम्हें पसंद करते हैं इसलिए कार सर्विस करने दे देते हैं, मम्मी की तुम सब्जी की थैलियां उठाते हो, घर का आटा पिसवाते हो। पर कुंदन, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बेटी की शादी तुम्हारे साथ हो जाएगी। मुझे लगा कोई करे ना करे तुम तो मेरी मदद करोगे, पर तुम निकले मेरे सबसे बड़े दुश्मन। सुबह हो साली आशिकी ना हो गई, लाठी चार्ज हो गया। जाओ घर जाओ, सो जाओ, निकालते हैं कोई जुगाड़। जाओ नाम क्या है तुम्हारे हीरो का, या अमिताभ बच्चन बुलाएं? अकरम, अकरम जैदी। कहाँ जा रहे हो गुप्ता जी, आओ एक और चुटकुला सुनाएं। ये जो करे वो ठीक और मैं जो करूँ वो गलत, ये है पार्टी के अब्राहम लिंकन। अब हर काम इनसे ही पूछ के होगा, ये स्पीच देंगे, ये जितवाएंगे इलेक्शन हमें। आ, तुझे बधाई दी तो कुंदन, तू तो खुशी से पागल हो रहा होगा ना कुत्ते। तुझे ऐसे को और क्या चाहिए? जिस आदमी को मार दिया उसकी कुर्सी बैठने को मिल गई, अब सोच रहा है उसकी गर्लफ्रेंड सोने को भी मिल जाएगी, और क्या चाहिए? मैंने दो आंसू भी नहीं बहाए जजीत की मौत पे, सोचा उसका एक अधूरा सपना है वो पूरा करूंगी जिंदगी भर। इतना सा था मेरा, तू वो भी जी ले। हाँ, इस आदमी की वजह से जजीत मरा और तुम उसे कंधों पे बिठाए घुमा रहे हो। हाँ अनंत श्रीवास्तव, इस आदमी ने मारा है उसे, अब धर के चाटते रहो इसे। तो है सिर्फ तुमने जजीत नहीं खोया है, या फिर तुम सब ने अपना दोस्त नहीं खोया है, मैंने अपना भाई खोया है। तुम सबसे कहीं ज्यादा मेरा हक बनता है उस पे। This man is our last hope. तू पावर पॉलिटिक्स पोजीशन के लिए भूल जा अपनी भाई की मौत। क्या तुम सब भूल जाओगे उस आदमी को जिसकी ये पार्टी है, जिसका एजेंडा सिर्फ इलेक्शन जीतने का नहीं था, उसके प्रिंसिपल्स थे जिसमें वो बिलीव करता था, और ये आदमी जो बाहर बैठा है उसकी वजह से वो मर गया। अरे पुलिस, ये क्यों आए हैं? चलो बेटा, सॉरी बोलो वरना बहुत पिटोगे। गुप्ता जी, सॉरी तो मैंने अपने बाप को तब नहीं बोला जब मेरी गलती थी, अब तो ना मेरी गलती है और ना आप मेरे बाप। मारो। कुछ कह रही है आपके
क्या हुआ? ये क्या है? आई लव यू के कार में हमें थोड़ी जल्दी लगी, लगा बुरा मान जाओगी, तो ये ले लिया। तुम जाहिल हो, ऐसी लड़की को प्रपोज करते हैं? पहले तो अपनी दिल की रसा जान चाहिए, फिर जो निगाह है यार कहे मान जाइए। कुछ कह रही हैं आपके सीने की धड़कने, मेरी सुने तो दिल का कहा मान जाइए। एक धूप सी जमी है निगाहों के आसपास, एक धूप, एक सॉरी भूल गया कि आप हैं तो आप पे कुर्बान जाइए। नाम क्या बताया था तुमने? रिजवान। और तुम्हारी बाप का? मिर्जा खालिद। सोचा नहीं था ना? ये हमारा 16वां थप्पड़ था, पर हमें अपने गाल पे थप्पड़ के दुख से ज्यादा उसके गाल पे पप्पी का सुख था। बीवी चरित्रवान हो, इससे सही क्या हो सकता है? पर हम भी बनारस के पंडित थे और वो भी काले, हार कैसे मान लेते। हमारे यूपी में लड़कियां दो तरीके से पटाई जाती हैं, एक तो मेहनत से, सुबह से शाम पीछा करो, प्रेम पत्र लिखो और सहेली के हाथों उसे पहुंचाओ, पर ये तो यूपी का हर लौंडा कर रहा था। और वैसे भी हम कौन सा शाहरुख खान थे जो ये सब करके पास हो जाते। सो फेल हो गए। अब तक दूसरा तरीका कि लड़की को डरा दो। अरे अरे ये क्या? साले गाड़ी रुकी तो कल से चला नहीं पाओगे, क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत हो तुम मेरा पीछा मत करो। तो किसका करें? बता नहीं पर मेरा मत करो। कह दो कि तुम्हें प्यार नहीं है। प्यार नहीं है बस इसलिए कि हम हिंदू हैं? कह दो तो तुम्हारे लिए कलमा पढ़ दें। झूठे हो तुम। कह दो तुम्हें प्यार नहीं है वरना अभी कलाई काट देंगे अपनी। प्यार नहीं है। मारो मत, ए, पागल हो गए क्या? चप्पल काहे फेंक रहे हो? पागल हो गए तुम लोग? घुसना मत अंदर, बाहर निकल। हम सिर्फ बात करने आए हैं यहाँ, हम भी सरकार के खिलाफ हैं, हमने नई पार्टी बनाई है। ओ मैडम, अब नहीं हो पुरानी, हो तो चोर, इलेक्शन के बाद साला एक आदमी नहीं दिखेगा यहाँ पे, और दिख जाए ना मेरे मुँह पे मुँह देना। हम सिर्फ मदद करने आए हैं यहाँ। ओए मदर टेरेसा, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद भाई, निकलो। ये है ना मदद करने को। ओए फावड़ा रख, उठाइए मत, ये सब पड़ेगी तुझे। मैडम ऐसा है, निकल लो अभी यहाँ से, नहीं तो चप्पलें बहुत रखी हैं, पहनना छोड़ दिए, सीधा मारूंगा सर पे, और ऐसी गाड़ी गाड़ी गालियां दूंगा ना, खड़े खड़े मर जाओगी। अरे अरे कुंदन, अरे कहाँ जा छोड़ रहे हैं? मत कर। ए क्या है? ज्यादा ना करो, नहीं साले पटक के मारेंगे। तुम साले हो ही चूतिए जो इतना लेट आया गुस्सा। आज से 30 साल पहले अगर तुम्हारे बाप को गुस्सा आया होता तो ऐसे टट्टी में मुंह दिए ना बैठे होते तुम। और हाँ, आए हैं वोट मांगने, क्या गलत कर रहे हैं? 60 साल से ठप्पा लगा ही रहे हो ना, इस बार हम लोगों को देके देख लो क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा फिर कट जाएगा तुम्हारा, पर वो तो वैसे भी कट ही रहा है। बोलो चले जाएं या उठाएं फावड़ा और मदद करें तुम्हारी।
हमें कुछ मीडिया ने हीरो बना दिया था कुछ किस्मत में। ये बात हमें इस दौरान पता चली कि इस देश में लीडरों की कितनी भारी कमी है। अगर ये साले हम जैसे जाहिल की सुन रहे थे तो ये तो किसी की भी सुन लेंगे। पर कसम से हमें हिंदुस्तान की चिंता बिल्कुल नहीं थी, हमें चिंता थी अपनी और सिर्फ अपनी। हमें लगा था अगर ये AICP के बचड़े हैप्पी हो गए तो गाय भी एक दिन मान ही जाएगी। पर जोया को हम एक आंख नहीं सुहा रहे थे, हम आगे बढ़ते जा रहे थे, लड़की को खलते जा रहे थे। पता भी नहीं चला कब सरकार की आंखों में खटक गए। गोलगप्पे खाने छोड़ दिए? ये मेरी सहेली है रश्मि, रश्मि ये है मैसेल्फ शंकर, कुंदन शंकर। ठीक है गोलगप्पे? बढ़िया है जी। हाँ। जोया कैसे करना है? क्या करना? मतलब भागना कब है? क्यों भागना? ठीक है तो मैं मुसलमान बन जाता हूँ। क्यों बनोगे मुसलमान? तो फिर शादी कैसे होगी? किसकी शादी? तुम्हारी मेरी। रुके रुके भाई साहब, क्यों होगी तुम्हारी मेरी शादी? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कब से? पांच पांच के हो गए सबके? एक बाकी है। हाँ दे दो और मैडम को और खिलाओ। एक मिनट। हाँ क्या कह रही थी तू? आप। अच्छा तुम डील। हाँ तुम। कब हुआ प्यार? ये छोड़ दो। क्या कब हुआ प्यार? 8 साल से प्यार करते हैं हम लोग। इन योर ड्रीम्स कुंदन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 9th में थी तभी। हाँ हम कौन सा ला कर रहे थे, हम भी तो 10वीं में थे। कुंदन यार वो बचपना था। तो अब तो बड़ी हो गई, अब कर लो। यू आर मैड कुंदन, ऐसा कुछ नहीं है। रश्मि चलो यहाँ से चलो। कौन है ये? बचपन में दोस्त था अब पागल है। अबे रिक्शा वाले पैसे ना लेना मैडम से, भाभी है तुम्हारी। कौन सी वाली भैया? ये लंबी वाली जो गुस्से में है। क्या देख रहे हो, आगे देखो। You are mad. ऐसा कुछ नहीं है। Forget me. You forget me. What? Forget me का मतलब हुआ? हाँ। भूल जाओ मुझे। हाँ? ले ओ। 10 साल पैसा जमा करते रहे बैंक के ही भाग दो। लियो मुनारी, अच्छे टाइम पे आए हैं हम। जरा मुंह मीठा करो तो। सुनिए पंडित जी का लौंडा रंडवा होएगा। हाँ दे। क्या करोगे पंडित? तुम्हारी हीर की तो यादाश्त से चली गई। मुरारी चुप करा ले इसे वरना पिटेगी इसे तेरी। ए ए ए बिन्या, ए बिन्या मोबाइल में मोबाइल लगा सीरियस है अपना। कुंदन तेरा भोला इतना झूठा नहीं हो सकता। 15 साल से सोमवार का व्रत रख रहे हैं, तेरी शादी तो बेटा नहीं हो रही उस जोया से। पिटोगे ना तेरी? हम कहते ना पिटोगे? हम तो चुके। अच्छा अच्छा छोड़ो ना, बच्चे नीचे झुका कर पीठ पे ना मारना इसकी, पीठ पे ना मारना। हां धक्का मत देना बाहर भाई, घर से बाहर ना निकाल लो। निकल यहां से, घर से बाहर निकाल दिए। कमीने मेरी हाय लगेगी तुझे। अरे क्या हुआ बिंदिया? अरे आंटी जी भांग पीकर आए कुत्ता भरी दोपहरी में। बनारस भर में टांग पर नाचेंगे कुंदन, जिस दिन शादी हुई तेरी मुझसे। ओए काली कुत्ते से कर लूंगा शादी, तुझसे नहीं करूंगा। तू काली कुतिया। अरे यार कुंदन तेरा इंस्पेक्टर बार बार फोन कर रहा है, एक बार बात कर। आनंद मैं और कुंदन रिक्शे में निकल रहे हैं, तुम लोग निकल जाओ। जल्दी आ जाओ। कुछ नहीं है ना, बैठ जाओ अपनी जगह पर। कुछ नहीं जसजीत के कपड़े, उस पर बड़ी जचती थी ये नेहरू जाके, उसे तो देख नहीं पाए यहां तक आते। सोचा तुझे ही देख लूं,
उसे तैयार नहीं कर पाए दिल्ली जीतने को, तुझे तो कर दूं। उस दिन पहली बार जब तुझे देखा था ना दिल्ली में, उस दिन मेरे मन में आया कि तेरे गले लग जाऊं और तुझसे पूछूं कि जिसके लिए तूने कलाई काटी थी बचपन में, उस जोया के लिए तो कुछ नहीं करेगा। दुनिया थूकेगी मुझ पे कुंदन अगर प्यार कर लिया तुझसे, पर देख प्यार कर ही लिया ना। अच्छा लग रहा है तू, जाना कुंदन, सब तेरा वेट कर रहे हैं। कुंदन जा, कुंदन जा। सब तो इतने अच्छे से कर रही थी तू, यहाँ आखिरी में आके क्यों गड़बड़ा गई जोया? जोया तू फिर मुसलमान को हिंदू बता रही है, संभाल खुद को, प्यार में मत पड़ मेरे। ये पागल है जोया, तू तो समझदार है। जोया मुझे नहीं पता तू क्या चाह रही है, कहाँ जाने को कह रही है, पर जहां भेजेगी मैं वहां जाऊंगा। और कसम मुझे भोलेनाथ की, हर जगह जीत गया होऊंगा। और तब भी अगर तुझे लगे कि मुझे प्यार करने से दुनिया थूकेगी तुझ पे, तो मेरा बचा हुआ 17वां थप्पड़ दे जाना, वरना अपने गाल पे मेरी बची हुई पापी मैं तुझसे ले जाऊंगा।